हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से राजा भर्तरी की पुण्यमय पावनमय तपोस्थली अलवर, जहाँ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक नित्य बैठ कर इस अलवर की भूमि पर तप साधना करते हैं, ऐसी पुनीत पावन भूमि अलवर की, जहाँ पर बैठकर आप और हम भगवान शिव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। सावन का महीना, श्रावण की ये दूसरी सोमवारी अमावस्या सोमती और प्रभु की अविरल कृपा करुणा उदारता दया एक तो सोमवार की अमावस्या पड़ गई, सावन का महीना पड़ गया, ऊपर से ये पावन शिव महापुराण की कथा। धन्य है अलवर के सभी निवासी और आप सब जो बाहर से आए हैं इस पावन कथा का रस तत्व जो ग्रहण कर रहे हैं। जितने भी भक्तगण चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हों, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद विजय जी विजयवर्गी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने पावन शिव महापुराण की कथा का रस तत्व आप और हमको ग्रहण करवाया। एक सहजता का जीवन, एक सरलता की पूंजी शिव तत्व है। जिसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व किसी न किसी तरह से शंकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और इस मृत्यु लोक में आना, भूमि पर जन्म लेना, भूमि पर पहुंचना,
मृत्यु लोक में आकर भगवत भजन करना, ये प्रभु कृपा है। ये प्रभु की कृपा, ये प्रभु की उदारता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये उसकी उदारता से जो पावन शिव महापुराण की कथा का रस तत्वपन ग्रहण करने बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कृपा है अपन सभी पर। पहले एक बात कही आप लोगों से, आज फिर कहते हैं, एक श्वास 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास नहीं है जिस श्वास में शिव का नाम नहीं निकलता। मृत्यु लोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर हम अगर आए हैं, आप माला उठाकर कुछ जपे ना जपे, आपने राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम लिया ना लिया, पर एक जन्म के समय पर परमात्मा ने हमारे स्वर में, हमारी श्वासों में ओम का नाद दे दिया, ओम का संबोधन दे दिया। और ओम का जो संबोधन दिया है, ओम का जो नाद दिया है, ये जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक ये ओम का संबोधन, हम भले जिब्या से राम नाम लें, कृष्ण नाम लें ना लें, इस श्वास से अपने आप शिव का नाम निकलता ही रहता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में जब तक श्वास है तब तक समझना कि शिव तुम्हारे घट घट में, तुम्हारे साथ में विराजमान है। श्वास निकल जाए समझ लेना कि ये शरीर खत्म हो गया और केवल शव बन गया, अब इसका कोई मूल तत्व नहीं है। शिव के निकलने के बाद में शरीर शरीर नहीं रहता, शव बन जाता। शिव है जब तक शरीर है, और जैसे ही शिव गए श्वास खत्म हो गई, 21,600 श्वासें जो रोज चल रही थी आज पूर्ण हो गई, तो फिर ये शरीर समाप्त होकर शव बन जाता है और वो शव भी परमात्मा के दरवाजे तक जाता है। आज कोई सुबह के समय पर कह रहे थे, गुरुजी इतने सारे लाखों लाखों भक्त कथा में आते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है तो पत्रिका दे देकर जाओ तो भी कोई माता पूजन के बुलावे में नहीं आता, किसी के यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, महिला संगीत है, कोई कार्य है, बुलाने जाओ 50 बार कहने जाओ तब जाकर कोई महिला संगीत में आता है। बारात के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है कि बेटे की बारात जाएगी,
तो बारात के लिए बार बार कहना पड़ता है, तब जाकर कोई बारात में आता है। पर गजब की शिव महापुराण की कथा है, जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। महाराज सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता, ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा, आपको दोनों जगह जाना है। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई VIP बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई वैभवपति बनकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी वैभवपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुंचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी। सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हट गई। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है, और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500-700 हजार रुपये खर्च कर कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत देना। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा, कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे, बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना, स्मरण करते रहना। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहां गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी इन अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे जाते, क्योंकि दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहां पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठा कर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहां करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहां पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहां आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ यहां मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी।
एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है, एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो पर दोस्त जैसे घर पर मिलो, पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर एसपी डीएसपी टीआई कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है तो तुम दोस्त जैसे मिलो, पर जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में यह आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे, तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा। शिवजी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि है, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा। बहुत अंतर है महाराज। धनवान में और कुलवान में अंतर आ जाता है। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देखकर लेकर आना कि यह संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर ना लाइए, संस्कार देखकर लाइए। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि प्रणाम कर लो, एक बार किसी ने कह दिया नमन कर लो, एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो, तो वो आदर कर लेता है। गुणवान गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। डीले कम करो थोड़ा सा। धनवान धनवान होता है और गुणवान गुणवान। एक आदर का क्रम, भले आपके पास में संपदा हो, भले आपके पास में वैभव हो, भले आपके पास में प्रतिष्ठा हो, भले आपके पास में कुर्सी का पद हो, परंतु उसकी एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए, एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। कथा में कभी भी जाना, किसी भी कथा में, चाहे तुम भागवत जी में जाओ, राम कथा में जाओ, चाहे आप कृष्ण कथा में, चाहे आप शिव महापुराण में जाओ, पर अपने पद को, अपनी अभिमत्ता को, अपने अहंकार को दूर रखकर जाइए, बहुत दूर रख। सत्संग में और शमशान में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। शमशान से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप लेकर इसको शमशान तक मुर्दे को आइए। सत्संग से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप
कथा में आकर बैठी है, ये निमंत्रण नहीं देना है आपको, तो सीधा सीधा कह देना है साहब शिव महापुराण की कथा है। कोई कहे कि गुरुजी बताओ सेठ जी कथा करवा रहे हो, आप यजमान हो, हमें आगे बैठना है, हमें बीच में बैठना है, हमें यहां बैठना है। कथा का एक नियम होना चाहिए, कितना भी पहचान वाला आए और किसी का भी अगर फोन आए कि आपके नगर में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, हमको आना है, हमको पहुंचना है, उस जगह पर कथा की समिति हो, कथा का आयोजक हो, कथा का यजमान हो, उसको हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए पहले आना और पहले बैठ जाना, पहले आना और पहले पा लेना, ये तुम्हारे भीतर का भाव होना चाहिए। ये अपने भीतर के भाव को हमें प्रकट करना है। किसी को निमंत्रण ना देते हुए बस इतना निमंत्रण जरूर दो कि ये सत्संग है, ये शिवपुराण है, ये राम कथा है, ये भगवान का भजन है, अब इसमें आओ बैठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, आओ बैठो और अपनी जिंदगी को आनंदित करिए। ये आपके ऊपर है कि आप कहां बैठ रहे हैं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दे तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो, जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवाल मिल जाए तो उससे टिक जाऊं, दीवाल नहीं मिली दो ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंभा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए उस पर बैठ जाऊं। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवाल ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो तो दिल दुखे, तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं। घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, घुटना दुखे तो हम दीवाल ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम दीवाल ढूंढते हैं, तो दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई कोई गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, जब तुम्हारा दिल दुखे उस समय पर तुम कुछ मत दुख ढूंढना, अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा, वो जो सहारा देगा। उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं महाराज। वो कहते हैं ना, मैंने जग का नजारा देख लिया, एक तेरा नजारा काफी है, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। पांव दुखे कुर्सी ढूंढते हो, कमर दुखे कुर्सी ढूंढते हो, दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढना, वो मिलेगा। कुर्सी हमें सहारा दे देती है घुटने को,
कुर्सी सहारा दे देती है अपनी कमर को, और मेरा महादेव तुम्हारे दिल दुखने पर सहारा देता है तो जिंदगी भर का देता है, फिर छोड़ता नहीं। फिर वो छोड़ेगा नहीं। एक बार अगर उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। एक बार अगर पकड़ ले तो शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है। शिव जी ने सती का त्याग किया, उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है दूसरा कारण ये है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा रहा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है, सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है, जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है, भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरताली का तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है, माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। माता ने पार्वती जी गुणवान है। एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है, और शिव कथा कहती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के, प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है, माला माल
एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है देखिए, मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाल कालकुआ 297 अलवर, सही है एड्रेस? कहीं बैठे हैं सुनील जी? मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर ही है, हाजीपुर, हाल कालाकुआ 297 अलवर, कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडियों पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ, पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो, हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए, तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल, बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है मैं किसको कहूँ। गुरुदेव एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था, लोग कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पान की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, बाबा क्या कृपा मेरे बाबा ने करी, एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी, गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, आप अगर मेरे आएंगे तो मैं बताऊंगा, मेरी एक झोपड़ी की औकात नहीं थी, जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया, ये कृपा बाबा की। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूँ, 297 है गुरुदेव, कभी किसी को मौका लगे तो एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता, ये शिव तत्व है।
सुनील जी हाजीपुर हाल काला कुआं 2/97 अलवर। शिव तत्व इसी को कहते, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है बाबा, एक सहारा है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं महाराज, उसको समझने वाला ही समझ सकता है, उसको जानने वाला ही जान सकता है। अरे तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप ये जितने बैठे हो कथा में, आज अब फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से निवेदन करने में पीछे नहीं हटता, जहां कथा करने जाते हैं वहां से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितनी देर आए हो उतनी देर अपने मन को, कोई भी आए कोई भी जाए अपने को उससे मतलब नहीं, अपना चित्त मेरे महादेव से जोड़ कर बैठना। क्या दे देगा वो 3 महीने के अंदर आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्या प्राप्त कर सकते हो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, क्या देगा। एक पत्र और आया, देखिए, मेरा नाम मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं रवेर खेरथल की रवेर थल है, रवे थल खेरथल, हाँ ठीक है, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मैं यह पत्र अपनी ननन जिसका नाम लाजवंती, पति का नाम राजेश सैनी है, जो अलवर के रहने वाले हैं, गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी ननन लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे, 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, जगह जगह जाकर धोक लगवा ली, 50 बार गोदी भरवा ली, पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव। फिर मेरी ननन आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दी और हम सबको भी बताती थी, उसको 20 साल हो गए थे संतान नहीं हुई, और ननंद ने भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा, 20 साल के बाद मेरी ननंद ने सफेद आंकड़े की जड़ तुम रूका जय का नाम लेकर शंकर जी पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में दोनों पति पत्नी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांध ली और घर आ गई। गुरुदेव बाबा के मंदिर रोज जाने लगी, जल चढ़ाती, बाबा से कहती बाबा सबकी झोली भरी है, मैंने कथा में सुना है वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है सबको दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। बस 15 दिन निकले थे और गर्भ ठहर गया, 20 साल के बाद गर्भ ठहरा गुरुदेव, 20 साल के बाद गर्भ ठहरा। जब जांच शुरू हुई डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बेकार है, गला हुआ है, उसके पांव बेकार हैं, उसका शरीर बेकार है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। डॉक्टरों ने कह दिया, अब घबरा गए, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मेरी ननंद ने फिर चढ़ाना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा, एक नरियल वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से
डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे, पर मेरी ननद ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका माइंड भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं प्रणाम करती हूं, शिव तत्व है। बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा लाए हो कथा में तो ला सकते हैं। ये शिव है। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलासी अविनाशी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी माहे पसारे, अपने से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। ये उघड़ी जिसकी एक गाड़ी की भी औकात ना हो और उसने अगर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो छह गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर देता है वो महादेव। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। जब देता है इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाता। लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी, दुनिया का ठाट दे दिया, सारे ग्रह सारे देवता सब लंकाधिपति रावण के यहां चौकीदार बना दिए। ये कोई सहज है शिव? एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, अपने शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते महादेव प्रसन्न हो गए और कह दिया, तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, कौन सी रात्रि को, शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मेरे मंदिर में तूने उजाला करा है। चोर कहता है, मैंने दिया नहीं जलाया, मेरा कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी कहते, मुझे चोरी से मतलब नहीं है, तू मेरे मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, इसलिए मैं तुझे कुबेर की गादी प्रदान करता हूं, कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। कुबेर का सिंहासन दे दिया। जो असली कुबेर था वो नीचे उतर गया और चोर कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब असली कुबेर जाकर भगवान विष्णु जी से बोले, नारायण से, प्रभु मैं तो कुबेर और मेरी कुर्सी चोट्टे को दे दी, चोर को, उस चोर को कुर्सी दे दी। तो इतने में नारायण को क्रोध आ गया, तुम्हें कुर्सी से उतारने वाला कौन होता है, किसने उतारा? इतने में कुबेर बोले, शंकर भगवान ने किसी चोर को कुबेर बना दिया। इतने में नारायण बोले, उनके मामले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये फाइल दूसरी दूसरी जगह की, अपने बस की है ही नहीं, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? कुबेर ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम नारायण हो, सृष्टि के कर्ता हो, तो तुम्हें बोलना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो मेरे चरणों में लक्ष्मी बैठी है ना, ये भी उन्हीं ने मुझको दी है। अब इतना उपकार है कि मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? ऐसा कोई एक देवता बता दो जिस पर शिव ने उपकार ना करा हो। राम जी महाराज जब समुद्र से पार उतर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, राम जी से कह दिया चिंता मत करना, राम जी कहते हैं वो आपका भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं, भक्त है तो क्या हुआ, मैंने उसको कहा था रावण मांग तुझे क्या चाहिए। रावण कहता है, मेरे को सोने की लंका दे दो, मुझे राशि ठाट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। रावण से मैंने फिर पूछा, तुझे और कुछ चाहिए तो बोल, रावण और चाहिए तो बोल। रावण ने कहा, कोई देवता अगर मनुष्य बनकर आए तो मेरे प्राण हर सकता है,
पर उस कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं और कुछ मांग ले, रावण से कहते रहे पर रावण ने नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा रावण अगर तू चाहे तो तू जब युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में तू मुझे शामिल कर सकता है। रावण कहता है मैं इतना विद्वान पहले से, मैं ऐसा वीर पहले से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान ने राम जी से कह दिया बड़ा कल्याण करा, अब तुम जाओ और रावण पर चढ़ाई कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करना। तो प्रभु राम जी ने कहा आपके भक्त के प्राण छूटेंगे तब आप सामने खड़े होकर देखते रहोगे, रावण के प्राण छूटेंगे तो क्या शंकर भगवान दूर खड़ा देखता रहेगा। शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण से कहा था और मांग ले, रावण तेरे प्राण छूटे तब तक का मांग ले। रावण ने कहा मुझे जरूरत नहीं, युद्ध के मैदान में भी भोलेनाथ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं मरूं तब भी मेरे भोलेनाथ तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मैं सामने आऊंगा नहीं, प्राण तू ले जाना। ये शिव तत्व है हमारा। भगवान कृष्ण की 16108 रानियां, एक रानी से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्ग आचार्य बाबा से पूछा मेरी 16108 रानी इनकी औलाद नहीं संतान नहीं, कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा एक काम करो, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने आकर वर दे दिया मांगो कृष्ण क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी रानियों से संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा तुमने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी से 11-11 संतान होगी, 177,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शंकर जी की कृपा से। ये देता है छप्पर फाड़ कर। क्या ना देवो क्या ना प्रदान करे वो। अरे भाई आपको स्मरण में होगा शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा, दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में, बोलो तो सही, जलाया ना। शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, चढ़ाई ना। अभिषेक पूजन किया ना। तुमने दिल से भाव से मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी, भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है पर केवल शिवरात्रि हरताली का तीज छोटी तीज बड़ी तीज अन्य जो त्योहार होते हैं सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं इसमें शिवरात्रि की रात्रि में उसका मतलब ही शिवरात्रि है रात के समय पर आप अभिषेक करो पूजन करो अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि रात भर आराधना करिए रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए आराधना करिए अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करिए। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में सत्कर्म को खींचने में, अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते।
इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा, कैसे ऐसा भजन हो रहा। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था, पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते हमें नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था, कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर, हिरण का इंतजार कर रहा है, कोई मृग आ जाए उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना, बच्चे भूखे हैं। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी, और पेड़ पे टांगी, अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले तो उसमें से दो दो बूंद पानी नीचे गिरता रहे, इधर घूमे दो बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर टंगा, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, हवा नहीं आ रही, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसको स्मरण में। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक अरविंद, नीचे एक शिवलिंग था, बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था, रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है, और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल, सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे दूं, खाली ना जाता कोई अरे दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदे बाहे फसारे, अपने हृदय से लगानो लगानो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा एक कथा आपने टीवी पर सुनी होगी, परली बैजनाथ जी से सुनी थी, किस किस ने सुनी थी, बैजनाथ में जो कथा हुई थी, परली बैजनाथ महाराष्ट्र में हुई थी, वो सुनी थी, तो सोमानी जी उस कथा को कराए थे, और वहीं के एक पार्षद थे, कथा में आगे नहीं बैठ पाए होंगे तो उनको थोड़ा क्रोध आया, आगे नहीं बैठ पाए तो उनको गुस्सा आ गया और क्रोध आया, और
साइड में, जैसे ये पूरा बैरिगेट है ये लगा हुआ है डी, ऐसा साइड में वो पार्षद थोड़ा तेज चिल्ला दिए होंगे। अब वो तेज चिल्ला दिए हम फिर कहते हैं बहुत बहुत सावधानी से कथा को सुनना, बहुत दिल से सुनना। आपका वीआईपीपन आपके पास रखिएगा, जब शिव के पास जाओ ना एकदम खाली होकर जाना, भर कर लेकर आ जाओगे ये पक्का है, एकदम खाली होकर जाना शंकर के। अब वो जो पार्षद थे वो उन्होंने साइड में जरा जम के चिल्ला दिया कि मुझे आगे बैठना था, तुमने मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो। लाखों रुपए लगाकर चुनाव लड़े थे, लाखों रुपए लगाकर जीते थे, और क्रोध में आकर मैं पार्षद और मेरी वैल्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, चिल्ला चोट कर चले गए। आप कभी परली भेजना जाना तो मालूम करना, शरीर में कष्ट हुआ। कथा पूरी हो गई, हम वहां से निकलकर कथा करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। कथा पूरी हो गई, शरीर कष्ट से भर गया, धर्म पत्नी सीहोर पहुंची। कष्ट है, बहुत कष्ट है। खूब सेवा करी उन्होंने, खूब सेवा। हमने कहा तुम्हारे पति से पूछो, शिव महापुराण में कोई गलती तो नहीं कर दी होगी, एक बार पूछ लो। बाबा के धाम में आए हो, ये कैलाश पर्वत से कम नहीं है, बहुत दिल से आए हो, एक बार पूछो उससे कोई गलती तो ना हो गई। उसने कहा अपनी पत्नी को कि मैं चिल्ला चोट कर आया, गुस्सा कर मैंने अड़भंगा कह दिया, हर कुछ बोल दिया, कथा को भी बोल दिया, पोथी को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, आड़ा टेढ़ा मैं खड़े हो के अब शब्द बोल दिया। तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया पूरा अंदर का जो शरीर का जो किडनी लीवर फीवर ये सब कुछ। हमने सीहोर से फिर समीर जी का फोन आया, हम छत्तीसगढ़ थे, छत्तीसगढ़ हमने कहा एक काम करो उनसे कहो अब पार्षद बनकर कथा मत सुनना, एक बार जाओ पंडाल में दोनों पति पत्नी बैठकर, एक साधारण जैसे ये श्रोता आते हैं ना पंखा झेलते हैं, मांग कर कोई बिस्कुट दे दिया खा लिया, भोजन कोई देकर चले गया खा लिया, ऐसे शंकर के गण बनकर कथा सुनना। बाबा वापिस वो सुख देगा कि जिंदगी भर जिस सुख को नहीं देखा होगा। और आज वापिस जाकर मालूम करना, राजसी ठाट में शोरूम डल गए, राजसी ठाट में व्यापार ऐसी उन्नति कर ली कि पार्षद की नौकरी, पार्षद को पद से इस्तीफा दे दिया और बड़ा व्यापारी बनकर बैठ गया। यह शिव तत्व है, औघड़ी है वो। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन तुमने पूजन कराई, रात्रि के समय पूजन कराई, रात्रि के समय शंकर की आराधना कराई, शिवरात्रि बाकी की रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भले मत करो, बाकी की रात्रि में शंकर भगवान की पूजन भले ना करी हो, पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को आप जो रात्रि भर चार पहर खूब शिवलिंग बनाओ, खूब पूजन करो, खूब आनंद पाओ, ये हमारी शिव महापुराण में लिखा है, ये हमारी शिव पुराण के अंदर वर्णन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप चलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए, गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना, एक दाना जमीन के अंदर जाता है वो 10 दाने को पैदा करता है, उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना अगर जिसके यहां 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी बच्चा दे देता है, ये वो गेहूं का दाना है। उसको समझना, आनंद पाना, जो चढ़ा दिया चढ़ा दिया, और जो भ्रम में पड़ा रिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना, जो रह गया वो रह गया, साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए,
एक विश्वास के साथ कथा को सुन। क्या कारण होता है? ये चार पांच जजमान प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्याम खंडेलवाल जी, दिनेश खंडेलवाल जी, ये चार पांच छह जजमान कथा करवा रहे हैं। जितनी जगह कथा कर आते हैं उसके एक महीना भी नहीं निकलता और जजमान सीओ आके खड़े हो जाते हैं कि अगले कथा की तारीख दे दो। कारण क्या होता है? भोलेनाथ इतना दे देता है कि वो वापिस आकर कथा का क्रम चालू कर देते हैं। इतना दे देता है, उन्होंने जितना खर्च करा, जितना लगाया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी को बिस्कुट खिलाया, किसी को टॉफी खिलाई, किसी को एक जरा सा आदर भी करा है ना, तो मेरा महादेव इतना इतना टूटमान हो जाता है, वो चोर को कुबेर बना देता है, ना जाने कितना कितना दे देता है। उसकी कोई करुणा, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये व्यासपीठ से क्या